तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय पत्रकार के साथ की मारपीट, तमाशा देखती रही कनाडा पुलिस, नहीं की कोई कार्रवाई, भारत के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा विधानसभा में बोले कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास, मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए न मरना पड़े इसलिए सरकार दे ध्यान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक ओमान से पकड़कर लाया जा सकता है भारत, खुफिया एजेंसियों ने बिछाया जाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस पकड़ने में हुई नाकाम तो नाराज हुआ हाईकोर्ट, बोले 80,000 पुलिसकर्मी अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ पाए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने लगाए मोदी सरकार पर भेदभाव के आरोप, बोले 2 दिन मोदी सरकार के खिलाफ दूंगी धरना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बाद 5100 रुपए लेकर बीमारी भगाने का दावा करने वाले करौली बाबा पर एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत वंशी पत्रकार के साथ की मारपीट, तमाशा देखती रही पुलिस, नहीं की कोई कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में अमृतपाल समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में अब उबाल आ गया है और खालिस्तानी समर्थक गुस्से में आकर भारतीय वंशियों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला कनाडा में सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में पत्रकार के साथ खालिस्तानियों द्वारा बसलूकी का मामला सामने आया है। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकार समीर कौशल को सोमवार शाम ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और भारत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कौशल ने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वह भारतीय उच्चायुक्त की यात्रा को कवर करने के लिए सरे में थे, यहाँ एक खालिस्तानी समर्थक समूह ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे लिखा है कि अपने पंजाबी बोलने वाले दोस्तों या सहकर्मियों से पूछिए कि वे यहाँ कैसे अपमानजनक और शर्मसार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमृतपाल और खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ जो मोदी सरकार ने कार्रवाई भारत में की है उससे खालिस्तानी समर्थक नाराज हुए हैं, कनाडा सहित ब्रिटेन में आतंक मचाए हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा में बोले कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास, स्पीकर साहब अब कहीं मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए ना मरना पड़े। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास अपना मुस्लिम समुदाय का दर्द बयां करते हुए इतने भावुक हो गए कि उन्होंने इसी भावुकता में सरकार को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1 साल में 7 मुसलमानों की हत्या हो चुकी है, राजस्थान के 2 भाइयों की हत्या में शामिल मुख्य दोषी अभी तक फरार है, उससे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय विशेषकर मेवात क्षेत्र वासियों को राष्ट्रभक्त बताया। उन्होंने आगे कहा कि जब विदेशी आक्रांता बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और उसकी जंग राणा सांगा के साथ हुई तो मेवात क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय ने बाबर का नहीं बल्कि हम वतन राणा सांगा का साथ दिया था। बाबर ने इस युद्ध में पहले मेवातियों से सहयोग मांगा था और अपने मुस्लिम होने की दुहाई भी दी थी, लेकिन फिर भी मेवातियों ने उनका साथ नहीं दिया था और मेवात वासी जितने ही मुस्लिम हैं उन्होंने भारतवंशी का साथ दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बात इन्होंने हरियाणा विधानसभा में की जिसके बाद पूरे दुनिया में इनकी चर्चा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक को ओमान से पकड़कर लाया जाएगा भारत, खुफिया एजेंसियों ने बिछाया जाल। जदू साहब को बता दें कि इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक को ओमान से भारत लाया जा सकता है। नायक 23 मार्च से ओमान यात्रा पर जाने वाले हैं, उसी दौरान उन्हें हिरासत में लेने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी पहले से ही ओमान के अधिकारियों के संपर्क में है, इसकी जानकारी कई न्यूज चैनलों को सरकार ने दी है। नायक को ओमान में 2 तकरीर देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनकी पहली तकरीर कुरान वैश्विक जरूरत का आयोजन ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है जो रमजान के पहले दिन यानी 23 मार्च को होनी है। वहीं दूसरी तकरीर पैगंबर मोहम्मद इंसानों के लिए एक रहमत 25 मार्च की शाम को सुल्तान कबूस विश्वविद्यालय में की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि भारत में इन पर ये आरोप है कि इन्होंने हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया और ये लगातार गलत बयानबाजी करते हैं जिसमें देश में नफरत फैलती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सपा नेत्री रमा यादव की ओर से
ये रिपोर्ट लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अभिषेक यादव नाम के एक शख्स ने सपा अध्यक्ष की बेटी की फोटो लाकर फर्जी अकाउंट बनाया है। सपा नेत्री रमा यादव के मुताबिक फर्जी अकाउंट बनाने वाले अभिषेक यादव नाम के शख्स ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इसके अलावा फर्जी अकाउंट को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव के 3 बच्चे हैं। इनमें बेटे का नाम अर्जुन, बेटियों के नाम अदिति और टीना है। अदिति पिता की तरह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, आए दिन उनके ट्वीट्स भी देखे जाते हैं और इसी तरह उनका एक फर्जी अकाउंट बनाया गया और उससे भी कई विवादित ट्वीट किए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर अमृतपाल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, बोले 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस पकड़ने में नाकाम रही और अमृतपाल पंजाब की पुलिस के आंखों में धूल झोंककर भाग गया और अभी तक गिरफ्त से बाहर है। इसी मामले को लेकर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने अब पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि पूरे पंजाब पुलिस पर एक अमृतपाल नहीं पकड़ा जा रहा है। 80,000 पुलिसकर्मी अमृतपाल को पकड़ने में पंजाब में लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पंजाब में अमृतपाल पकड़ नहीं पाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार पंजाब पुलिस को लगाई है और कहा है कि 80,000 पुलिसकर्मी एक बंदे को पकड़ने में लगाए हैं और आप उस बंदे को क्यों अभी तक नहीं पकड़वाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बड़ी कार्रवाई अमृतपाल के खिलाफ सरकार करने वाली, क्योंकि 78 से 80 लोग अब तक खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थन वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से कुछ को असम जेल में भेजा गया है। किसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाए मोदी सरकार पर भेदभाव के आरोप, 29-30 मार्च को धरने देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की केंद्र की मोदी सरकार से तनातनी बनी हुई है। ममता ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार से नाराज ममता बनर्जी ने 2 दिन धरने पर बैठने का भी ऐलान किया है। ममता ने मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया, बजट में भी पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दिया गया, इसलिए केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ मैं 29 और 30 मार्च को अंबेडकर मूर्ति के सामने धरना दूंगी। ममता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक मनरेगा प्रोजेक्ट और आवास और सड़क विकास की अन्य योजनाओं का पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला है। केंद्र ने राज्य की बकाया राशि भी नहीं दी है, यहां तक कि आम बजट में भी बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुत्व को झूठ बताने वाले बयान पर फंसे कन्नड़ अभिनेता चेतन बेंगलुरु में हुए गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार हिंदुत्व को लेकर किए गए ट्वीट के कारण बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर ने बीते दिन एक ट्वीट कट पे हिंदुत्व को झूठा बताया था, जिसकी वजह से अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। चेतन कुमार ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा था कि हिंदुत्व को झूठ पर बनाया गया है। एक्टर का ट्वीट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब मंगलवार को चेतन कुमार को बेंगलुरु में सेसाद्रीपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग आकृति वाले कार्बन डेटिंग पर जवाब नहीं दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर जताई नाराजगी। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान मस्जिद परिसर में पाई गई शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे कराने के मामले में ASI की ओर से जवाब न दाखिल होने और इसके लिए समय मांगे जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने ASI को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए पूछा कि बिना नुकसान पहुंचाए उस शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कैसे होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने कथित शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल याचिका पर अधिवक्ता पांडे को सुनकर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे हुआ था तो उसमें एक शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई थी और फिर हिंदू समुदाय ने कहा था कि ये शिवलिंग है और यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए और ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अगर ये वास्तव में शिवलिंग है तो इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जाँच के नाम पर कुछ भी ASI ने नहीं किया, जिससे हाईकोर्ट नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर ये जाँच रिपोर्ट हमें सौंपते तो हम इस पर फैसला आगे सुनाते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धीरेन्द्र शास्त्री के बाद 5100 रुपये लेकर बीमारी भगाने का दावा करने वाले करौली बाबा पर FIR। जब दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब एक
कौर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने को लेकर FIR दर्ज की गई है। दरअसल आपको दादी की एक दिन में बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का दावा करने वाले कानपुर के करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर FIR दर्ज कराई गई है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ ने आरोप लगाया है कि आश्रम में बाबा संतोष सिंह और उनके साथी परिवार से मारपीट करते हैं। उन्होंने बाबा के चमत्कार पर सवाल उठाए तो समर्थकों ने पिटाई कर दी और आश्रम से भगा दिया। घटना 22 फरवरी की है लेकिन रिपोर्ट अब दर्ज हो पाई है। हालांकि बाबा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है और कहा कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि 5100 रुपये लेकर ये हर किसी बीमारी को ठीक करने का एक दिन में दावा करते हैं, लेकिन जब मेरा परिवार और मैं यहाँ पर बाबा से इलाज कराने गया तो बाबा ने इलाज करने के नाम पर मुझे अपने बाउंसरों से पिटवाया, मेरे परिवार के साथ अभद्रता की और फिर हमें आश्रम से बाहर निकाल दिया। तो ये उन्होंने खुलासा किया है। इसी तरह के आरोप बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भी लगते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस समय बाबा काफ़ी कुछ देश में कर रहे हैं।